नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज दशहरा का दिन है। दशहरे की सबको देशवासियों को शुभकामनाएं। इस समय हम खड़े हैं वसई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में। यहाँ वसई मानिकपुर पुलिस स्टेशन पर आज लोगों का दशहरे की खुशी दुगुनी कर दी। एक तरफ त्यौहार की खुशी तो दूसरी तरफ गुम हुए मोबाइल और उनके मुद्दे माल वापस करके मानिकपुर पुलिस स्टेशन ने कई लोगों के खुशी डबल कर दी है। जिसमें अभी मानिकपुर पुलिस स्टेशन ने पिछले एक डेढ़ साल के दरमियान में आरोपियों से पकड़े गए 44 मोबाइल जब्त किए गए। 44 मोबाइल यहाँ एक छोटे से कार्यक्रम में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके साथ में साथ ही एक बुजुर्ग महिला जिनकी 15 दिन पहले सोने का मंगलसूत्र जो है खींच लिया गया था, चैन स्नैचिंग हुई थी उनके साथ, उनका मंगलसूत्र भी सिर्फ 15 दिन के अंदर उनको वापस किया। तो मानिकपुर पुलिस स्टेशन की पूरी डिटेक्शन टीम ने एक अच्छा काम किया है। और ये अभी जो कार्यक्रम आयोजित हुआ वो वसई ACP पद्मजा बड़े मैडम के तत्वाधान में इनके साथ में मानिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI पाटिल साहब के रहते हुआ है। और ये लोगों को काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। हमने यहाँ से लोगों से जो बात की वो आप आगे देखेंगे क्या कुछ उनका कहना है। और कहीं ना कहीं दशहरे के दिन अपना मोबाइल फ़ोन वापस मिलने से लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। मानिकपुर पुलिस के लिए सैल्यूट कर रहे हैं, तो हम भी सैल्यूट करते हैं ऐसे हर एक अच्छे काम को। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मैडम, आज दशहरा का दिन है, लोगों को आप कुछ मोबाइल बांटने वाले हैं, क्या है इसकी कहानी? मानिकपुर पुलिस स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा भाई तरह वसई वीरा रायता को अभी 2 साल पूरे हुए जो वर्धापन दिन के मौके पे जो सप्ताह आयोजित किया है उसमें हम जो मोबाइल जब्त किए हैं, जो गुम हुए थे, जो मिले हैं हमें वो, और जो चेन है, जो चेन स्नैचिंग में मिली है, वो लोगों को आज हम देने वाले हैं। मैडम, टोटल कितने मोबाइल है और कितने से सोने के दागिने हैं, कितने लोगों को देने वाले हैं? ये 44 मोबाइल है, 44 लोगों को देने वाले हैं। और जो चेन स्नैचिंग में जो चेन मिली है वो आज मैडम को देने वाले हैं। मैडम, जो मोबाइल आपने रिकवरी किया है ये कितने दिनों से रखा हुआ था? ये 6 महीने या 1 साल में जो जब्त हुए वो सब मोबाइल है। और कुछ दशहरे के ऊपर लोगों को आह्वान करना चाहेंगे? दशहरे की सबको शुभकामनाएं और दशहरा और दिवाली सबको अच्छी सी यानी अच्छी जाए, यही शुभकामनाएं। अपने आपको चोरी जैसी वारदात से बचाने के लिए लोगों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, किस तरह से बच के रहना चाहिए, उसके लिए कुछ कहना? लोगों को अभी बाहर जाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। चेन स्नैचिंग या ये चोरी हो या ना गुम होना, ऐसे जो हादसे होते हैं इससे थोड़े बचने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और कुछ ऐसा लगा तो लोगों को पुलिस में बताना चाहिए। अरे, आपका नाम क्या है? क्या हुआ था आपके, क्या गुम हुआ था? कैसे गुम हुआ था? हम लोग कैब जा रहे थे, सामने से आके कितने दिनों के बाद में मिला आपको? 15 दिन हो गए। पुलिस को क्या कहेंगे माता जी? वो बता ही देंगे, ऐसे ही काम करते रहो, किसी बात नहीं हुई। थैंक यू। आपका नाम क्या है और ये जो मोबाइल आपका गुम हुआ था उसके पीछे कैसे क्या घटना हुई थी? मेरा नाम पायल है और ये फोन हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और वहाँ से ये टेबल पर से गायब हो गया था। जब हम इंस्टेंटली हमने मानिकपुर में आके कंप्लेंट की तो आफ्टर 2 मंथ्स के बाद मुझे फोन मिला। कैसा महसूस हो रहा आपको फोन? बहुत अच्छा, लाइक मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे फोन मिलेगा। मैंने होप ही छोड़ दी थी, बट आफ्टरऑल मुझे आपने नया फोन ले लिया था इसके बदले में। तो अभी आज आपको पुराना फोन मिल गया। मैं दोनों फोन यूज करूँगी। दशहरे के दिन आपको गिफ्ट मिला क्या, ऐसा महसूस कर? Yes, of course. पुलिस के कार्यों को क्या कहेंगे? होपफुली सैल्यूट टू देम कि उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया आफ्टर 2 मंथ्स के बाद भी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे फोन मिलेगा, बट थैंक्स टू मानिकपुर। थैंक यू। मैडम, आपका नाम क्या है? रहने के लिए कहाँ पे आप? उमामा। अच्छा, ये आपके साथ क्या घटना हुई थी? मैं जब हमारे मोबाइल खाली नंतर मी पोलीस कंप्लेंट इकडे केले, नंतर सरांनी सांगितलं तुमचं मोबाईल कुठे म्हणून, तर मग त्यांनी सांगितलं संपत्यानंतरचं मला ॲड्रेस दिला, तर मी तिकडे गेली। पण मला तिकडेच ऑफिस माहिती पडलं नाही, म्हणजे तिकडे आयडिया नाही मला। तेव्हा मी नंतर पुन्हा आले आणि मॅडम बोलल्या की तुमचं मोबाईल कुठे आहे। काल मला फोन केला त्या सरांनी की 2019 आभारी आहे। कितना टाइम हुआ आपका फोन गुम हुआ था? एक साल। क्या नाम है आपका?
आपका मोबाइल कब गुम हुआ था आपको, आज मिला तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा दशहरा है इसके तो अच्छा अच्छा दिख रहा है। कब गुम हुआ था, कितना समय हुआ इसको? 6-7 महीना हो गया मेरा। पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी अशोक कुमार जैन, कैसा लग रहा है आपको आज वापस आपका मोबाइल मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है, मोबाइल मिला एक साल के बाद आपको वापस मिला है। तो आपको उम्मीद थी कि मेरा मोबाइल मिलेगा? हाँ उम्मीद तो थी सर, सर ने बोला था कि हम ढूंढ के देंगे। वादा पूरा करके दिखाया? हाँ पूरा करके दिखाया, वापस फोन करके भी बुला के हमारे को मोबाइल दिया। आज दशहरा के दिन क्या कहना चाहेंगे मानिकपुर पुलिस स्टेशन? मानिकपुर बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पब्लिक के लिए, एक साल में सबके मोबाइल ढूंढ के दिए। दशहरे के शुभ अवसर, दशहरे के शुभ अवसर पर दया एक गिफ्ट के रूप में, गिफ्ट के रूप में दिया। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।